संज्ञा संज्ञा के विकार और लिंग के बारे में पहले डिटेल में बताऊंगा और साथ में एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन संज्ञा या लिंग से आते हैं ये कभी भी गलत नहीं हो पाएंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज संज्ञा के बारे में, संज्ञा क्या होते हैं, फिर संज्ञा के विकार और फिर उसके लिंग के बारे में। और साथ में दोस्तों पूरी वीडियो देखते रहना क्योंकि हम लास्ट में इसके साथ साथ आपको इसकी ट्रिक भी बताएंगे और इसके साथ साथ हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि हमने कितना इसको सीखा। तो चल दोस्तों सबसे पहले जानते हैं संज्ञा क्या होता है। संज्ञा देखिए किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कोई भी नाम क्या कहलाता है, ये संज्ञा कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें कोई वस्तु हो गई, मेज हो गया, दरवाज़ा हो गया, स्थान हो गया, आगरा हो गया, ठीक है, इन सब को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भी तीन भेद होते हैं। अगर हम प्राचीन में बात करें तो प्राचीन समय में संज्ञा के पाँच भेद माने जाते थे, ठीक है, लेकिन वर्तमान में संज्ञा के तीन भेद माने जाते हैं जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक आता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें देखिए ये क्या होता है, जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उससे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक। ठीक है, जैसे हो गया आपका सीता, देखिए यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, रामायण, गंगा, यमुना, पटना, दिल्ली, हिमालय, ये सब क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वहीं अगर हम जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं, जिन संज्ञा में किसी जाति या वर्ग विशेष का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक। देखिए जैसे जाति हो गया, जैसे नदी, देखिए नदी क्या है, एक जाति का बोध करा रही है, एक वर्ग का बोध करवा रही है, ठीक है, लेकिन देखिए नदी तो क्या है, जातिवाचक है, लेकिन अगर हम नदी में भी किसी अगर पर्टिकुलर नदी का नाम लें तो वो होता है व्यक्तिवाचक। जैसे नदी में अगर हम किसी, नदी में तो बहुत सारी नदियाँ आ सकती हैं तो ये किसी जाति का बोध करा रही है, लेकिन अगर हम नदी में किसी एक का नाम लेते हैं जैसे गंगा, यमुना, ठीक है, सरस्वती, तो ये सब किस में आएंगे, ये व्यक्तिवाचक में आएंगे। ठीक है, तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। और क्वेश्चन जो बनते हैं उससे ज़्यादा यहीं से बनते हैं कि नदी में कौन सा संज्ञा होगी, गंगा में कौन सा संज्ञा होगी, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है और आपको जानना है कि जो नदी है, नदी क्या कर रही है कि जाति का बोध करा रही है, इसे नदी क्या है, जातिवाचक। वैसे पर्वत, देखिए पर्वत भी क्या है, एक जाति का बोध करवा रहा है, तो पर्वत भी क्या हो गया, पर्वत भी जातिवाचक। लेकिन पर्वत में अगर हम किसी का नाम लेते हैं, पर्टिकुलर नाम लेते हैं किसी पर्वत का, जैसे एवरेस्ट हो गया या कोई और पर्वत, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, वैसे देखिए यहाँ पे लड़की, लड़की भी क्या है, लड़की भी एक जाति का बोध कर रही है क्योंकि लड़कियों के अंतर्गत बहुत सारी लड़कियाँ आ सकती हैं। ठीक है, तो अगर एक लड़की का नाम ले तब आकर व्यक्तिवाचक। वैसे छात्र, छात्र में बहुत सारे छात्र आ गए, ये भी एक जाति का बोध करवा रहा है, पुरुष, नारी, गौ, ब्राह्मण, वृक्ष, राजा, पशु, मित्र, ठीक है, तो ये सब किस में है, जातिवाचक संज्ञा में, जो क्या करवाता है, किसी जाति या वर्ग विशेष का बोध करवाता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद जो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा के भी तीन भेद, सॉरी दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। देखिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको मटेरियल नाउन कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द में द्रव या धातु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे ठोस पदार्थ आता है इसमें द्रव और गैसीय आता है, ठोस में जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन, देखिए सब के सब क्या है, ये द्रव्य है, तो इसलिए क्या कहते हैं इनको, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये ठोस में आ गए। वहीं अगर हम द्रव की बात करें जैसे तेल, पानी, घी, दही, ठीक है, तो ये सब किस में आ गए, ये द्रव पदार्थ में आ गए, और लेकिन है किस में, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में। वैसे अगर हम गैसीय पदार्थ की बात करें, धुआं, ऑक्सीजन, जितने भी गैस हैं, ये सब के सब किस में आती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। क्वेश्चन बना है यहाँ से कि ऑक्सीजन में कौन सी संज्ञा है, तो ऑक्सीजन में कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक का जो पार्ट है, द्रव्यवाचक संज्ञा ये होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें समूहवाचक संज्ञा, देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा जो इसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जिस संज्ञा में किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। काफ़ी ईजी है इसको याद करना, समझना। देखिए समूहवाचक में हमेशा समूह में आएगा या समुदाय में आएगा, जैसे पुलिस, देखिए पुलिस भी क्या है, एक समूह है। परिवार, परिवार भी क्या होता है, बहुत सारे लोगों का एक समूह होता है परिवार। टीम, सेना, देखिए सेना भी क्या है, किसी एक से तो बनती है नहीं, तो सेना भी कई लोगों से मिलकर बननी होती है, तो सेना। कक्षा, कक्षा में देखोगे आपने, एक विद्यार्थी से नहीं बनती है, कई बच्चों से, कई विद्यार्थियों से मिलकर क्या बनता है, कक्षा बनती है। भीड़, भीड़ एक लोगों से नहीं बनती, कई लोगों से। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर भी ज़्यादा लोग हों, ज़्यादा समूह में हों या समुदाय में हों, उससे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक भीड़ कहते हैं। जैसे भीड़, सभा, संसद, आयोग, वर्ग, समिति, अधिकारी, कर्मचारी, ताश आदि। देखिए ताश भी यहाँ पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ताश, क्योंकि ताश भी क्या है, पत्तों का समूह है। ठीक है, ताश देखोगे आपने, ताश के पत्ते में 52 पत्ते होते हैं, तो इन 52 पत्तों को क्या कहते हैं, हम ताश कहते हैं। तो ताश भी क्या है, समूह है, तो इसलिए कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा।
नेक्स्ट जो आती है वो आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा से पदार्थ या व्यक्ति के गुण, दोष, व्यापार, दशा आदि का भाव का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मिठास, बुराई, प्रसन्नता, प्रशंसा, घबराहट, लंबाई, ठीक है, भलाई, प्रेम, क्रोध, सुंदरता, सज्जनता, मधुरता, ये सब क्या है? भाववाचक। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण तथा अव्यय के, अगर हम उसमें क्या लगा दें, आव, त्वा, पन, अन, इमा, ई, ता, हट, ये सब लगा दें, प्रत्यय जोड़ दें, तो उससे भी क्या बन जाता है? भाववाचक। जैसे हम पुरुष से क्या बना? पुरुषत्व, तो पुरुषत्व क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। सुंदर से सुंदरता, दूरी से दूरी, दूर से दूरी, निकट से निकटता, तो ये सब किसमें? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और ये हमने जो रूढ़, यौगिक और जो योग रूढ़ है, ये हमने अपने पार्ट 6 में बता दिया। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे, आज हमने बात की वो है अर्थ के आधार पर संज्ञा के जो 5 भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर या प्राचीन, ठीक है, प्राचीन अगर पूछता है कि प्राचीनतम के अनुसार संज्ञा कितनी है प्राचीन समय के अनुसार, तो वो है 5। ठीक है, इसमें हम क्या कह रहे थे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में संज्ञा की संख्या है 3। ठीक है, और प्राचीन में पूछे तो 5, और अर्थ के आधार पर पूछे तो 5। ठीक है, अब बात करता हूँ संज्ञा के विकार के बारे में। ठीक है, संज्ञा के विकार कितने हैं? संज्ञा के 3 विकार हैं, लिंग, वचन और कारक। और इस वीडियो में हम संज्ञा के जो पहला विकार है लिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जानेंगे वचन और कारक के बारे में। ठीक है, तो देखिए लिंग होता क्या है? संज्ञा का रूप परिवर्तन, जो संज्ञा का रूप में परिवर्तन होता है वो लिंग, वचन और कारक के अनुरूप होता है। ठीक है, अगर हम लिंग की बात करें तो लिंग का अर्थ होता है पहचानना। ठीक है, ठीक है, संज्ञा के जिस रूप में स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। ठीक है, लिंग का मतलब क्या है? पहचान है। देखिए हम लिंग से क्या पहचानते हैं? कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। ठीक है, और लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला हो गया पुल्लिंग और दूसरा हो गया स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग, देखिए पुल्लिंग क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप में पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे नाखून, कान, झुमका, तन, घी, पपीता, जल, तिल, दिन, दीपक, दल, शरीर, दही, मोती आदि, ये सब क्या है? ये पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं स्त्रीलिंग की, तो स्त्रीलिंग क्या होते हैं? संज्ञा के जिस रूप में स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मृत्यु, पूर्णिमा, दवा, माया, काया, मित्रता, खटास, शत्रुता, सभा, टोली, पंचायत, जड़, सरकार, फौज, पलटन, भीड़, नाक, आँख, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। अभी दोस्तों इसके बाद मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस इसको हम इजी से कैसे तरीके से ट्रिक के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुरुष पुल्लिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए इसके नियम क्या क्या होते हैं, कैसे हम इस नियम के अनुसार लिंग में परिवर्तन करते हैं। तो लिंग परिवर्तन के नियम है, पहला नियम है आ लगाने पर। देखिए दोस्तों, अगर पुल्लिंग में, पुल्लिंग शब्द में अगर आप पीछे से आ लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे आचार्य से अगर आप आ लगाते तो आचार्या, ठीक है, आचार्य क्या है? स्त्रीलिंग, आचार्य है पुल्लिंग। महोदय से महोदया, सूत से सूता, ठीक है, हमने आ लगा दिया अगर पढ़ते तो क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग बन जाता है। सेकंड है इसमें ई लगाने से, जैसे पोता से पोती, पोता पुल्लिंग, पोती स्त्रीलिंग, वैसे ब्राह्मण से ब्राह्मणी, इया लगाने से, इया लगाने जैसे गुड्डा से गुड़िया, लोटा से लुटिया। ठीक है, चौथा जो है इका लगाने से, इका से देखिए नायक से नायिका, अध्यापक से अध्यापिका, अध्यापिका क्या है? स्त्रीलिंग, अध्यापक है पुल्लिंग। वैसे नेक्स्ट देखेंगे तो हम आइन लगाने से, आइन से बनिया से बनियाइन, पंडित से पंडिताइन। ठीक है, वैसे नी लगाने से जाटनी, शेर से शेरनी। वैसे अगर हम आनी लगा दें तो आनी लगा दें अगर हम पढ़ते हैं तो भव से भवानी, हिंदू से हिंदू आनी। नेक्स्ट अगर हम इनी लगाते हैं पढ़ते हैं तो जैसे ब्रह्मचारी से ब्रह्मचारिणी, अभिमानी से अभिमानिनी, और अगर हम मती वती लगा देते हैं तो जैसे श्रीमान से श्रीमती, भगवान से भगवती। इसके अलावा अगर हम त्री लगाने पर जैसे दाता से दात्री, रचयिता से रचयित्री, नेता से नेत्री, कवि से कवित्री, काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो कवि का क्या होगा? कवित्री, कवि हो गया पुल्लिंग और कवित्री स्त्रीलिंग। इसके अलावा देखिए एक उभय लिंग भी होते हैं, जैसे कुछ शब्द को ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम दोनों लिंगों में करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उभय लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को हम दोनों में यूज कर सकते हैं, राष्ट्रपति, मैनेजर,
इंजीनियर, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम ना तो हम ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम दोनों में कर सकते हैं, स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी, ठीक है। तो वो शब्द है प्रधानमंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति, मैनेजर और इंजीनियर। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी ट्रिक है कि आपको पहचानना कैसा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दो चीज़ों पर ध्यान रखनी है। देखिए जैसे यहाँ पे दे रखा मैंने पपीता, दीपक, सजावट, बस, गाड़ी, कलम, कुर्सी, मेज, थाली, चूड़ी, दरवाज़ा, ठीक है, बुढ़ापा, बचपन, लोहा, लिखावट, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई। तो आपको बस ये छोटी स्टिक याद रखनी है कि आपको क्या करना है, अच्छा, अच्छी या मेरा, मेरी, ये विशेषण आपको किसी भी शब्द के आगे जोड़ देने हैं। इन शब्दों के आगे अगर आप अच्छा, अच्छी या मेरा, मेरी जोड़ देते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि शब्द सही जा रहा है तो समझ लो कि वो वही होगा पुल्लिंग, अगर लगता है कि नहीं जा रहा है तो वो स्त्रीलिंग। जैसे देखिए पपीता क्या है, पपीता अच्छा है कि अच्छी है, पपीता अच्छा है। दीपक क्या है, दीपक अच्छा है कि अच्छी है, तो दीपक अच्छा है। तो देखिए अच्छा यानी पुल्लिंग की ओर संकेत कर रहा है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे बचपन, बचपन क्या होता है, अच्छा होता है कि अच्छी होती है, बचपन अच्छी है नहीं, या मेरी बचपन नहीं, मेरा बचपन, तो मेरा बचपन यानी बचपन क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। अगर आपको, आप अगर क्वेश्चन पूछते हैं सिर्फ आगे से किसी भी कोई भी शब्द आता है अगर उसके पीछे आप अच्छा, अच्छी या मेरा, मेरी लगाते हैं तो अगर आपको जवाब सही मिलता है, सटीक मिलता है, तो वो आपका वही आंसर होता है। जैसे मैंने कहा बुढ़ापा, बुढ़ापा का अगर लगा दो मेरा, तो मेरा बुढ़ापा देखो सटीक बैठ रहा है, यानी पुल्लिंग है। बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग है। मेरा बुढ़ापा अगर आप ऐसा बोलोगे, मेरी बुढ़ापा, मेरी बुढ़ापा, तो ये शब्द सूट नहीं कर रहा, यानी स्त्रीलिंग बन रहा है, तो ये स्त्रीलिंग नहीं होगा। देखो मेरा बुढ़ापा, तो ये सही बन रहा है। अब देखो लिखावट आ गया, तो लिखावट में क्या करोगे आप, मेरा लिखावट नहीं, मेरी लिखावट अच्छी है, तो मेरी लिखावट यानी मेरी लिखावट। लिखावट मतलब क्या है, लिखावट एक स्त्रीलिंग शब्द है। सिलाई में देखो, मेरा सिलाई नहीं, मेरी सिलाई, ठीक है, मेरी बुनाई या अच्छी सिलाई, तो अच्छी क्या है, अच्छी सिलाई, यानी स्त्रीलिंग को संकेत कर रहा है। अच्छी सिलाई, अच्छी बुनाई, अच्छी कटाई, अगर आप यहाँ पे जोड़ दो पुल्लिंग का शब्द, अच्छा सिलाई, अच्छा बुनाई, अच्छा कटाई, तो ये शब्द सही नहीं हो रहा है। तो अगर आप किसी भी शब्द के आगे अच्छा, अच्छी या मेरा, मेरे लगा देते हैं तो आपको उसका आंसर मिल जाता है और आपको पता लग जाता है कि कौन सा ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देखिए यहाँ पे, जैसे लोहा, अच्छा लोहा, या आप ऐसा तो अच्छा लोहा, तो ये क्या पुल्लिंग। अब ऐसा तो नहीं बोलोगे आप अच्छी लोहा, अच्छी लोहा, देखो बोलने में अटपटा लग रहा है, गड़बड़ है, तो ये क्या है, लोहा जो है, लोहा अगर पूछता है किसका है तो आपको सिर्फ लगाना है आगे अच्छा, अच्छा लोहा, या मेरा लोहा, या मेरी लोहा, मेरी लोहा तो होगा नहीं, तो मेरा लोहा या अच्छा लोहा, तो किसका है, पुल्लिंग शब्द है। लोहा किसका है, पुल्लिंग का है। तो आप इस प्रकार से आसानी से किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखिए लोमड़ी, गिलहरी, मक्खी, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो ये बनते हैं वो यहीं से बनता है। जैसे देखिए स्त्रीलिंग में लोमड़ी, गिलहरी, मक्खी, मछली, छिपकली, तितली, कोयला, ठीक है, ये सब जो होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। पूछता है वो जो लोमड़ी है वो हमेशा स्त्रीलिंग का शब्द है, गिलहरी स्त्रीलिंग का है, मक्खी स्त्रीलिंग का है, मछली स्त्रीलिंग का है, छिपकली स्त्रीलिंग, तितली स्त्रीलिंग, कोयल स्त्रीलिंग का है। वहीं अगर हम बात करें पुलिंग की, तो ये जो शब्द है वो हमेशा पुलिंग में यूज है। जैसे मच्छर है, मच्छर हमेशा पुलिंग में यूज होता है। कौवा जो है वो हमेशा पुलिंग में यूज होता है। खरगोश जो है वो पुलिंग में यूज होता है। तोता पुलिंग में यूज होता है। बिच्छू पुलिंग में। भेड़िया पुलिंग में। और उल्लू को भी याद रखना कि उल्लू भी क्या है, एक पुलिंग है, ठीक है। ये हमेशा पुलिंग में यूज होते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ट्रिक नंबर दूसरी हमारी है कि जिन शब्दों के अंत में आ आए, आव आए, पा आए, पन आए या नौ आए, पढ़ते आए, तो वो सब पुलिंग होते हैं। जैसे छोटा, देखिए आ आ रहा है ना, छोटा, तो छोटा क्या होगा, पुलिंग। मोटा, देखिए आ रहा है, तो ये भी पुलिंग होगा। पड़ाव, देखिए आव आ रहा है पीछे से, पड़ाव, तो ये भी पुलिंग। बुढ़ापा, देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, पा आ रहा है, बुढ़ापा, तो ये भी पुलिंग होगा, ठीक है। लेन देन, देखिए लास्ट में नौ आ रहा है, तो ये भी पुलिंग होगा। ठीक, थर्ड है हमारी, जिन शब्दों के अंत में आई आए, वट आए, हट आए, पढ़ते आए, तो वो स्त्रीलिंग होता है। जैसे सिलाई, देखो आई आ गया, बुनाई आई आ गया, कटाई आई आ गया, लिखावट, देखिए पीछे वट आ गया, बनावट, हट, ठीक है, घबराहट, देखिए हट आ गया, तो ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जिसमें भी आई, वट या हट पढ़ते आते हैं लास्ट में, वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो महीने हैं, दिनों हैं, ग्रह हैं, इन और पर्वतों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे चैत्र, बैसाख, जेठ, सोमवार, ठीक है, मंगलवार, राहु, केतु, हिमालय, ये सब क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा अगर हम नदियों की बात करें, नदियों और तिथियों के नाम, तो ये हमेशा स्त्रीलिंग होती है। जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थिया, सुनी, ये सब क्या होते हैं,
ये नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें भाषा बोली लिपि के नाम, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाषा में अगर हिंदी अंग्रेजी रूसी चीनी ठीक है गढ़वाली बोली ठीक है कुमाऊनी बोली देवनागरी ये सब क्या होती हैं स्त्रीलिंग होते हैं ठीक है। उसके अलावा जो द्रववाचक जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे दूध घी दही मक्खन लोहा तांबा जितने भी अगर द्रववाचक है तो होते हैं ये सब क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया जिसमें आप आसानी से इनको अलग करके देख सकते हैं। देखिए जैसे अगर हम माँ के बात करें तो माँ के नाम क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं चेत विशाख जेठ ठीक है। वहीं अगर हम तिथियों की बात करें तो तिथियाँ क्या होती हैं स्त्रीलिंग होती है, जैसे प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी। इसके अलावा जो अमावस्या आता है आपका पूर्णिमा आता है पहली द्वितीय ये सब क्या होती हैं स्त्रीलिंग होती हैं। वहीं अगर हम बात करें दिन के नाम तो दिन के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार ये सब क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं। तारों के और ग्रहों के नाम की बात करें तो तारों और ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, सूर्य चंद्रमा बुध बृहस्पति, लेकिन सिर्फ एक को छोड़कर वह है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है पृथ्वी स्त्रीलिंग है ठीक है, पृथ्वी क्या है स्त्रीलिंग है। वहीं अगर हम माँ के नाम याद करें तो माँ में जनवरी और जो फरवरी होती है वो क्या होती है स्त्रीलिंग होती है और सबके सब पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा बात करें हम पहाड़ों के नाम तो पहाड़ों के नाम जैसे हिमालय सतपुड़ा नीलगिरी ये सब क्या होते हैं ये सब पुल्लिंग होते हैं। अगर लिपियों की बात करें तो ये स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे देवनागरी लिपि रोमन लिपि गुरुमुखी ठीक है। बोलियां जैसे गढ़वाली कुमाऊनी ये भी सब क्या होती हैं स्त्रीलिंग होती हैं। वहीं भाषाओं की बात करें तो भाषाएँ जैसे हिंदी तमिल मराठी ये सब स्त्रीलिंग होती हैं ठीक है। उसके अलावा अगर हम इधर पुल्लिंग की बात करते हैं तो देशों के नाम जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान रूस अमेरिका जितने भी देश हैं ये सब क्या हैं पुल्लिंग है ठीक है। वहीं अगर हम धातुओं की बात करें तो धातुओं में जैसे सोना चांदी ठीक है तांबा पीतल ये सब क्या है ये पुल्लिंग है, लेकिन एक को याद रखना सॉरी चांदी को छोड़ करके सभी क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं, चांदी जो है वो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है रत्नों के नाम, जैसे रत्नों में जैसे हीरा मोती पन्ना ये सब पुल्लिंग होते हैं। अन्न के नाम गेहूँ चावल जौ मटर ठीक है ये सब क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं, सिर्फ किसको छोड़ करके अरहर मूंगा और मक्का को छोड़ करके सब पुल्लिंग होते हैं। वहीं अगर हम झीलों की बात करें तो झीलों जो होती हैं झीलों के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे डल झील विक्टोरिया ये सब क्या है स्त्रीलिंग। नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा यमुना सतलज और नर्मदा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन यहीं से बनता है, जो अपवाद है जो गंगा में जो नदियों के नाम है इसमें से जो तीन नदियाँ हैं सोन सिंधु ब्रह्मपुत्र ये क्या होती हैं ये पुल्लिंग के शब्द हैं ठीक है। वैसे अगर हम वृक्षों की बात करें तो आम बरगद नीम पीपल ये सब पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इमली जो है इमली का पौधा जो है या इमली का पेड़ है वो स्त्रीलिंग है ठीक है, स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। इसके अलावा बात करें हम स्त्रीलिंग में तो जो खीर है दाल है केसर है इसका भी यूज स्त्रीलिंग में करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमने इनके बारे में जाना, अब हम प्रैक्टिस सेट है। तो अब जानते हैं हम जो हमने पढ़ा उसके बारे में जानते हैं कि कुछ क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे आंसर बताना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बुढ़ापा भी एक प्रकार का विशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो देखिए दोस्तों ए दिया यहाँ पे जातिवाचक व्यक्तिवाचक भाववाचक या द्रववाचक। तो देखिए द्रववाचक में तो हमेशा जो द्रववाचक जो पदार्थ आते हैं उनके नाम आते हैं ठीक है, व्यक्तिवाचक में व्यक्तियों के नाम आते हैं, जातिवाचक में किसी वर्ग या समुदाय का बोध होता है तो उसे हम जाति या वर्ग का समुदाय का बोध होता है तो उसे हम जातिवाचक कहते हैं। तो यहाँ पर बुढ़ापा देखिए बुढ़ापा आ रखा है तो कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा भाववाचक, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिए यहाँ पे गाय पहाड़ यमुना ठीक है आम। तो देखिए इसमें जो पहाड़ है ठीक है गाय है ये सब क्या कर रहे हैं ये किसी न किसी जाति का बोध करवा रहे हैं ठीक है, लेकिन जो यमुना है यमुना क्या है यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे नदी रहती मैंने बताया आपको कि नदी रहती तो नदी होती तब तो जातिवाचक का होता क्योंकि नदी क्या कर रही है किसी जाति या वर्ग का बता रही है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक नाम है ठीक है गंगा यमुना कोई भी नाम हो तो वहाँ पे क्या होता है व्यक्तिवाचक, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने संज्ञा कितने प्रकार के हैं ठीक है। देखिए अर्थ के आधार पर बात करें या हम प्राचीन मान्यता के आधार पर बात करें तो प्राचीन मान्यता के आधार पर जो संज्ञा है संज्ञा के पांच भेद होते हैं ठीक है, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में केवल तीन ही जानते हैं जातिवाचक ठीक है व्यक्तिवाचक जातिवाचक और भाववाचक, लेकिन अगर हम अर्थ के आधार पर बात करें तो जातिवाचक व्यक्तिवाचक ठीक है उसके अंतर्गत जो द्रववाचक है और समूहवाचक है और भाववाचक इन पाँचों को लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, देखिए यहाँ पे पूछा है नहीं है, ए दिया गया लेखक शिक्षक वकील या मीठा। तो देखिए लेखक भी क्या कर रहा है किसी जाति का बोध करवा रहा है क्योंकि लेखक के अंदर भी क्या बहुत सारे लेखक हो सकते हैं, शिक्षक के अंदर भी बहुत सारे शिक्षक हो सकते हैं वकील भी हो सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर पूछा गया कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो वो होगा मिठास, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है।
नेक्स्ट आप निम्न शब्दों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। ठीक है, तो देखिए भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी होगी, शहर है, देश है, दुकान है, और यहाँ पे देखिए मिठास। ठीक है, तो ये कौन सा है, भाववाचक संज्ञा हो गया मिठास। नेक्स्ट यहाँ पे मानव किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, देखो मानव किस प्रकार की संज्ञा है, तो मानव देखिए क्या है, मानव क्या करे, जाति का बोध या वर्ग का बोध करवा रहा है। ठीक है, तो मानव क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट यहाँ पे सभा किस प्रकार की संज्ञा है, सभा, तो देखिए सभा मैंने बताया आपको, सभा क्या कहे, सभा हो गया, ठीक है, समुदाय हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं, ये समूहवाचक संज्ञा में आया, क्योंकि ये समुदाय सभा का बोध करवाते हैं, उसे हम समूहवाचक कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो देखिए भाववाचक संज्ञा पूछा है लंबाई, श्याम, घर, सभा, तो देखिए जो श्याम है ये तो किसी, अगर हम किसी का नाम की बात करें तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, घर, सभा, ठीक है, सभा भी समूहवाचक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो लंबाई है, लंबाई होगा भाववाचक, ठीक है, क्योंकि हमने कहा ना कि किसी गुण दोष का बोध करवाता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, तो यहाँ पर लंबाई किसी गुण के गुण को दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर निम्न शब्द में से स्त्रीलिंग बताइए, स्त्रीलिंग कौन सा होगा, पानी दे रखा है, घी दे रखा है, डाकू दे रखा है, गंगा, तो देखिए मैंने कहा था जो ऑप्शन, देखिए इसमें जो है जितने भी नदियों के नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गंगा क्या है, एक नदी है, तो ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, सिर्फ ब्रह्मपुत्र, सोन, इन नदियों को छोड़ करके सभी जितनी भी नदियाँ होती हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं, तो यहाँ पर गंगा नदी है, तो ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में पुल्लिंग शब्द बताइए, तो पुलिंग शब्द देखिए दोस्तों यहाँ पे बनावट दिया है, हिंदी दिया है, गढ़वाल दिया है, तो गढ़वाली क्या है, एक भाषा या उपबोली हम बोल सकते हैं, तो जितनी भी बोलियाँ होती हैं वो सब क्या होती हैं, वो स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है, हिंदी देखिए, हिंदी भाषा है, ये भी क्या है, ये भी स्त्रीलिंग है, बनावट इस पर आवट ये सब आते हैं, वट हट आते हैं, तो वो हमने बताया कि वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बुढ़ापा आ रहा है, तो आ जिस पर मैं आ आता है उसको हमने क्या कहा था, वो पुलिंग शब्द होते हैं, तो ये क्या है, पुल्लिंग शब्दों का बुढ़ापा। तो देखिए दोस्तों अगर आप एक बार इसको ढंग से पढ़ते हैं तो इनको आपको बताने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप लगा सकते हैं कि अच्छा बुढ़ापा, ठीक है, या मेरा बुढ़ापा, तो देखिए मेरा आ रहा है, मैंने जो ट्रिक बताई थी आपको, मेरा बुढ़ापा, तो ये क्या है, मेरा क्या है, पुल्लिंग है, तो इसलिए आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि मेरा बनावट, नहीं, मेरी बनावट अच्छी है, मेरी लिखावट अच्छी है, ठीक है, तो मेरी, तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग हो गया, मेरी हिंदी अच्छी है, मेरी, मेरा हिंदी तो हो नहीं सकता, मेरी गढ़वाली, ठीक है, या मेरा गढ़वाली ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो जहाँ पे अगर मेरी अच्छा अच्छी लगाते हैं तो आपको आंसर वैसे ही मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज हमने संज्ञा, संज्ञा के विकार और लिंग के बारे में आपको बताया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।